हाउ टू फिक्स mCent ब्राउजर ओटीपी नॉट रिसीव प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करें आप सभी का तेकरा चुरू चैनल पर। तो दोस्तों, यदि आप यहाँ mCent ब्राउजर में किसी भी तरह का ओटीपी रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपको यहाँ में ओटीपी रिसीव नहीं हो पा रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को आप यहाँ में कैसे और किस तरह से अपने फ़ोन पर सॉल्व किया जा सकता है, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, अब यहाँ में सबसे पहले तो इसका क्या करना होगा, आपको यहाँ में अपने फ़ोन सेटिंग्स ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ में ओटीपी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो सेटिंग्स ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ में क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और नीचे आके आपको यहाँ में मैनेज एप्स या तो फिर आपको यहाँ में एप्लीकेशन मैनेजर करके मिल जाएगा आपके फ़ोन में, तो आपको इसमें चले जाना है। तो यहाँ में ओपन होने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ में हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ में ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ में अपना मैसेजिंग सर्च कर लेना है। तो यहाँ में आप अपने मैसेजिंग को सर्च कर लीजिए, तो मैसेजिंग यहाँ में ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ में मैसेजिंग ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ऐप्स परमिशन में चले जाना है। ठीक है, आपके मैसेजिंग के ऐप्स परमिशन यहाँ में ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ में देख लेना है, यदि आपका यहाँ SMS स्टोरेज टेलीफोन डिसेबल है तो आपको इसे इनेबल कर लेना है। अगर यहाँ में इनेबल है तो फिर भी आपको इसे एक बार डिसेबल कर लीजिए और डिसेबल करके उसके बाद आप यहाँ में इनेबल कर लीजिएगा फिर से। ठीक है, यहाँ में इनेबल कर लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ में अपना प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नज़र आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको यहाँ में प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है OTP का, तो यहाँ में आपको क्या करना है मैं आपको यहाँ में दूसरा सेटिंग बता देता हूँ मैसेजिंग के रिगार्डिंग। तो आपको यहाँ में सिंपली बैक कर लेना है और बैक करने के बाद आपको जाना है आपके फ़ोन के डायलर में। ठीक है, तो फ़ोन के डायलर में जाके आपको यहाँ में सेटिंग्स ओपन कर लेना है मेन्यू बार में क्लिक करके। तो यहाँ में आपको क्या करना होगा, आपको एक बार ब्लॉक लिस्ट चेक कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ में ब्लॉक लिस्ट ओपन कर लेना है और ब्लॉक लिस्ट ओपन करने के बाद आपको SMS ब्लॉक लिस्ट इसमें क्लिक कर लेना है। तो यहाँ में आप देख सकते हैं मैसेजेस फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, तो आपको इसे अलाउ ही रखना है। ठीक है, अगर आपके यहाँ में ब्लॉक हो सकता है तो आप एक बार इसे चेक कर लीजिए, यहाँ में ब्लॉक नहीं रहना चाहिए, इसको अलाउ कर लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ में जो भी OTP का प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगा और आपको यहाँ में OTP रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको यहाँ में मैसेजिंग में कोई दिक्कत आ रहा है, आपको मैसेज आ नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना है मैं आपको यहाँ में आगे बता दूंगा, आपका यहाँ में तीसरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको इसके बाद अपना सेटिंग्स को फिर से ओपन कर लेना है और सेटिंग्स ओपन करने का फिर से अपना मैनेज ऐप्स या फिर एप्लीकेशन मैनेजर ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ में ओपन कर लीजिए। तो यहाँ में ओपन करने के बाद मैं आपको तीसरा सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, यहाँ में आप मैसेजिंग सर्च कर लीजिए, हम शॉर्टकट से यहाँ में सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ में हम फिर से मैसेजिंग में चले जाते हैं। तो आपको यहाँ में मैं लास्ट सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, इससे आपका प्रॉब्लम जो है ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। तो आपको यहाँ में ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको इसका डाटा जो है आपको क्लियर कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ में क्लियर डाटा कर दीजिए, उसके बाद आपका यहाँ में मैसेजिंग का जो भी प्रॉब्लम है आपका सारे सॉल्व हो जाएगा एक बार से। ठीक है, तो आप इसके बाद अपने फ़ोन को रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। रिस्टार्ट करने के बाद आपका प्रॉब्लम जो भी है OTP के रिगार्डिंग, mCent ब्राउज़र के रिगार्डिंग, वो सब एक बार से सॉल्व हो जाएगा आपके फ़ोन में। ठीक है, तो आप इस तरह से mCent ब्राउज़र के जो भी OTP का प्रॉब्लम है इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।